Hello doctors and parents, a very good evening to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. In this video or in this session, we're going to discuss about the NEET PG 2024 latest update. Mainly, आज मैं दो questions answer करने वाला हूँ. पहला question जो continuously पूछा जा रहा था कि PG 24 में कितने candidates appear करेंगे और क्या competition level होने वाला है या paper का type क्या हो सकता है. इन तमाम चीजों के बारे में इस video में पहले बात करेंगे. अगर मैं बात करूँ पेपर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एग्जैक्टली टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर करने वाले हैं. ऑलरेडी इसके लिए अगर मैं लास्ट ईयर के डेटास की मैं बात करूँ तो 2020 में ऑलमोस्ट 1,60,000, 2021 में 1,67,000, 2022 में 1,80,000, बट इन 2023 दैट इज लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग, अगर मैं बात करूँ ब्लॉग्स को हटा के ऑफिशियल डेटा जो गवर्नमेंट ने खुद अवेलेबल कराई थी, क्यों कराई थी उसके लिए भी मैं बात करूँगा. बात करूं तो 209,030 फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म आपके रजिस्टर्ड किए गए थे, बट ओनली 2,517, मतलब कि 2,517 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर किया. ये डेटा आपका तब अवेलेबल कराया गया था जब ऑलरेडी आपका कोर्ट केस चल रहा था. लास्ट ईयर मल्टीपल कोर्ट केस भी हुए थे रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेटा. आपको आइडिया भी होगा, जो ऑलरेडी रिपीटर है उनको पता होगा, जिनको नहीं होगा उनको मैं बता दूं. लास्ट ईयर पहले आपकी इंटर्नशिप डेट 31 मार्च गवर्नमेंट द्वारा एनबीए की द्वारा डिक्लेयर की गई थी, बट इसके बाद डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, आपके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एफएमजी और बाकी लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. उसके बाद इस डेट को 31 मार्च के डेट को चेंज करके 30 जून कर दिया गया. एंड आफ्टर डैट अगेन अ कोर्ट केस हुआ. इन तमाम चीजों के बीच में हमने मल्टीपल प्रिडिक्शंस भी किए थे जिनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है. जो रिपीटर्स होंगे उनको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो. वॉट एवर वी हैव प्रिडिक्टेड ऑलमोस्ट 99.9% हमारी सक्सेस रही है उस चीज में. जितनी भी प्रिडिक्शंस की थी रिगार्डिंग योर कोर्ट केस एंड एवरीथिंग, एग्जैक्टली वो सारी चीजें हुई थी. एंड अगर मैं बात करूं इस डेट को, जो 31 मार्च था उसको 30 जून किया गया, एंड आफ्टर दैट 11 अगस्त कर दिया गया था. अगर मैं बात करूं यहां पे गवर्नमेंट के द्वारा डेटा अवेलेबल कराई गई थी, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपके 2,517 कैंडिडेट्स ने अपियर किया था एग्जामिनेशन को. मैं बात करूं कि इस सेशन दैट इज पीजी 24 में अप्रोक्सीमेटली क्या नंबर हो सकता है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 2,40,000 टू 2,50,000 एट मैक्स. अगर मैक्सिमम कैंडिडेट्स की क्वांटिटी या नंबर्स आती है तो 2,50,000 रहेगी, उससे ऊपर जाने की चांसेस बहुत कम है. एंड अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो 2,30,000 के नीचे भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप चेक करोगे तो 2,09,000 तो लास्ट ईयर ही था. तो इस सेशन में ऑलरेडी आपके 25,000 to 30,000 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा आएंगे. रीजन मैं बताऊंगा, इससे रिलेटेड आपके पेपर लेवल पे मैं बात करूं तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा और ये आंसर आपको मिल गया होगा कि अप्रोक्सीमेटली इस सेशन में कितने कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 to 2,40,000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे. रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो 2,40,000 to 2,50,000 के इन बिटवीन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट अपीयरेंस की मैं बात करूं तो 2,30,000 to 2,40,000 आप पकड़ के चलो, इतने कैंडिडेट्स पीजी 24 में जरूर अपीयर करेंगे. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए अगेन अगर आप लास्ट ईयर की डेटा चेक करोगे तो जब सुप्रीम कोर्ट की में केस चल रही थी तो वहां पे एनबी के वकील ने एक बकायदा एक लेटर आई थी. लेटर जब आप एफआईआर किया, मैं जब लेटर वहां पे की गई थी, उस लेटर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, जब आपका इंटर्नशिप डेट 31 मार्च रखी गई थी, एट दैट मोमेंट रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था. एंड उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया तो 30 जून, बट 31 मार्च तक जब रजिस्ट्रेशन ओपन था उसके बिटवीन में ऑलरेडी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 2,00,000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे. जी हाँ, 2,00,000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके थे नीट पीजी 2023 के एग्जामिनेशन के लिए. उसके बाद गवर्नमेंट ने सर्वे कराया, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी, पीआईएल किया गया था, तो वहां पे एनबी की तरफ से ये बोला गया कि हम एक सर्वे कराते हैं. मेनली इंस्टीट्यूशन लेवल पे हुई थी और कैंडिडेट्स लेवल पे भी की गई थी कि आप मेंशन करो कि आपकी इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी डेट कब कंप्लीट हो रही है एक्स वाई जेड. एंड जब डेट फाइनली 11 अगस्त किया गया तो अप्रोक्सीमेटली 18,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे, जो बात बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 18,000 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनकी एलिजिबिलिटी न होने की वजह से वो 31 मार्च तक अप्लाई नहीं कर पाए थे. जब 11 अगस्त किया गया तो ये 18,000 कैंडिडेट्स जो थे ये भी एलिजिबल हो गए. बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन की जो मैं बात आई उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 कैंडिडेट्स ने ही रजिस्ट्रेशन किया.
मतलब कि एलिंटर्नशिप एलिजिबिलिटी आ गई थी 18,000 की, बट रजिस्ट्रेशन उसमें से सिर्फ 5,000 कैंडिडेट्स ने किया, 13,000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी ड्रॉप के लिए चले गए, उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, काउंसलिंग देखी भी नहीं है, दे आर प्रिपेयरिंग सिंस वन ईयर। जो रिपीटर्स हैं मैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ्रेश एलिजिबिलिटी के, जो फ्रेश इंटर्नशिप करके आए थे उन कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 18,000 कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन ओपन की जाती है, 18,000 की कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्रिएट की जाती है इंटर्नशिप डेट को इंक्रीज करके 11th ऑफ अगस्त। रजिस्ट्रेशन उसमें से सिर्फ 5,000 कैंडिडेट्स ने किया, 13,000 ऑलरेडी ड्रॉप के लिए चले गए। तो यहां से आपका निकल के आती है कि ये जो आपकी डेटा थी 209,000 में 13,000 भी अगर आप एड ऑन करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 230,000 कैंडिडेट जरूर अपियर करेंगे इस सेशन में। अगेन आप भी जान रहे हो मेडिकल कॉलेजेस की काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैंडिडेट्स इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट इस बार सबकी क्लियर है, हर स्टेट में क्लियर कट आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है लास्ट ईयर की तरह। मिलिए तेलंगाना के केस था लास्ट ईयर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, इस सेशन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो आप मान के चलो 230,000 कैंडिडेट्स जरूर एग्जामिनेशन में अपियर करेंगे। एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर आपका 111,000 और समथिंग एलिजिबल हुए थे, दैट्स मैटर ऑफ फैक्ट, उसको अगले सेशन में देखेंगे। बात करूं कंपटीशन लेवल की, जो रिपीटर्स हैं वो भी इस बार एग्जामिनेशन में आएंगे, बट ये 13,000 जिनकी इंटर्नशिप एलिजिबिलिटी होते हुए भी इन्होंने अप्लाई नहीं किया ये अगेन आएंगे। एंड ये जो 5,000 सिर्फ अपियर कर गए थे, काउंटिंग में चेक करोगे तो इसमें एटलीस्ट 60% ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया होगा बट एग्जामिनेशन देने नहीं गए होंगे, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने का ही टाइम दिया गया था। इसी से रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट की भी डिमांड हुई थी, बट सबको पता है पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ था, मल्टीपल चीजें हुई, तो उन चीजों को हटाते हैं। PG24 की बात करूं, 230,000 कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट आपके अपियर करने वाले हैं इस सेशन में, प्लस हो सकता है, माइनस के बहुत कम चांसेस हैं, माइनस भी होता होगा तो 5,000 आप ऑल लेस कर लो, 225,000 तो 100% चांसेस हैं कि इस बार सेशन में जरूर अपियर करेंगे PG24 में एग्जामिनेशन के अंदर। बात करूं कंपटीशन लेवल में, अभी थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया, सबने बताई रीजन, मोस्ट प्रोबेबली यही एक रीजन हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो रिपीटर हैं, उनके लिए प्रिपरेशन उनकी ऑलरेडी टॉप नॉच पे होगी। जो नए कैंडिडेट्स आए हैं जिनकी सिर्फ इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं पेपर बायस्ड हो जाता पुराने कैंडिडेट्स के लिए या रिपीटर्स के लिए। इसीलिए एक चांसेस जरूर हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या NBA की तरफ से लास्ट मोमेंट पे पैटर्न ही चेंज कर दिया गया, जिससे एक फेयर चांस मिल सके पुराने कैंडिडेट्स को जो रिपीटर है उनको, एज वेल एज जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको भी। पेपर लेवल की मैं बात करूं, लास्ट ईयर आपका ऑलरेडी मॉडरेट पेपर था, इस सेशन में मैक्सिमम चांसेस हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ये आप डेटा से ही समझ चुके हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मॉडरेट के भी चांसेस कम रहेंगे, आइदर पेपर आपका मॉडरेट रहेगा या मॉडरेट से टफ की तरफ रहेगा। ये मैं आपको एक महीने पहले इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी लेट बिल्कुल नहीं हुआ है, एंड दिस इज द ओनली रीजन टीम एडमिशन मीडिया या जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे सीट मैट्रिक्स, सीट इंक्रीमेंट, इस कॉलेज के लिए इतना कट ऑफ चाहिए, इस स्टेट के लिए इतना चाहिए, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी ऑफ द डिटेल बिकॉज पेपर लेवल मैंने अभी आपको क्लियर किया क्या हो सकते हैं। हम काफी टाइम से इसी डेटा पर रिसर्च कर रहे थे, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रिसर्च, एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ वीडियो कि इन चीजों पे या ये जो कंटेंट्स हैं कि कब कहां पे कितने पे सीट मिलेगी, अभी बिल्कुल भी फोकस ना करें, अभी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करें कि अपने मार्क्स को जितना ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके रैंक के लिए, क्योंकि एक एक रैंक की इस बार कॉम्पिटिशन रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अपकमिंग वीडियोज में आपको आइडिया लगेगा, कहीं ना कहीं इसका रिलेशन नेक्स्ट से भी रिलेटेड है, जो नेक्स्ट आपकी शेड्यूल की जाएगी क्या होगा कैसे होगा, कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट सबको पता है कि गवर्नमेंट में क्या चीजें चलेंगी और गवर्नमेंट विन करके आएगी इलेक्शन के बाद तो क्या चीजें होंगी, मुझे ऑन कैमरा बोलने की जरूरत नहीं, आप आइडिया लगा सकते हो। मैक्सिमम लास्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर की स्पीच थी वो भी आपने देखा होगा कि वो किस तरफ चीजों को लेके आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो क्या होगा इसको आगे वीडियो में देखेंगे। उससे पहले कॉम्पिटिशन, अगर मैं समअप करूं इस वीडियो को, कंपटीशन लेवल आप मान के चलो आइदर मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ की तरफ रहेगा, 225,000 to 230,000 कैंडिडेट्स जरूर अपियर करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो सकता है 240,000 to 250,000 हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 230,000 to 225,000 कैंडिडेट्स जरूर अपियर करेंगे। और ये जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे स्पेशली द रिपीटर्स,
ये 100% फोकस करेंगे कि सीट इनको ही लेना है, क्योंकि प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि कट ऑफ जो थी वो जीरो किया गया, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सीटें मिली, क्यों नहीं मिली वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। सीट बुकिंग और ब्लॉकिंग के लिए अगर आप देख रहे हो तो उस पर भी हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। एडिट विंडो की अगर मैं बात करूं तो अगेन हमने पोस्ट किया हुआ वीडियो, एडिट विंडो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है वीडियोस एक बार आप चेक कर लो, अगर वहां से भी आपको उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, यू हैव मोर देन इनफ टाइम, ऑलमोस्ट 1 month का टाइम अभी भी आपके पास है। जितने भी PYQs हैं, जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उस पर फोकस करिए, एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाएगा विदाउट एनी डाउट, यू हैव टाइम। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉग भी मेंशन किया था जो आपकी हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी, वो ब्लॉग अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लें, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। उससे पहले भी एक और चीज, लास्ट वीडियो में हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे व्यूज नहीं जा रहे हैं, जितना हो सके आप वीडियोस को शेयर करिए विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स, सो वी लाइक टू थैंक यू ऑल द मेंबर्स जिन्होंने इस चीज को किया, वी गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स, उतने वीडियोस को शेयर किया गया जितना हमने कभी भी सिंस द बिगिनिंग हमारे वीडियोस को उतना नहीं शेयर किया गया था। सो जब भी हमने एनालिटिक्स देखी, यू हैव डिड अ ग्रेट जॉब, सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। टीम एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया आपको तहे दिल से थैंक यू बोलती है। सेम थिंग इस वीडियो को भी शेयर करिए, जितने भी कलीग्स हैं आपके, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जहां भी हो सकता है इस वीडियो को पोस्ट करें। बात करूं पेड और प्रीमियम काउंसलिंग के लिए तो अभी हमने स्लॉट्स नहीं ओपन किए हैं, रीजन यही है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जितना अच्छा आप मार्क्स लाओगे, जितना अच्छा रैंक लाओगे आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी भी चीज पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एट द एंड हम सिर्फ काउंसलर हैं, इट्स अबाउट योर करियर। हम उस चीज में सिर्फ आपके हेल्पफुल कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आप एक सही टाइम पे सही चीजों को प्रोसीड करें। अभी आपका समय यही है कि जितना ज्यादा हो सके अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं तो दैट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए हम कुछ भी नहीं ओपन कर रहे हैं। जैसे ही चीजें स्लॉट्स ओपन करेंगी सबसे पहले हम वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्रॉपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडमिशन मीडिया को ज्वाइन करके रखें, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जो पेज ने हैंडल नेम है एडमिशन मीडिया, उसे भी ज्वाइन करके रखें, फॉलो करके रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी वहां पे कॉन्टिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। सो नॉट टू वरी एट ऑल, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, जितना ज्यादा आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, इन चीजों पे फोकस करिए, क्योंकि रैंक इनहांस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्क्स और रैंक की भी चीजों पर बात करेंगे, अभी इन चीजों पर डिस्कशन करने का कोई भी वैल्यू नहीं, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज आई ऑलरेडी मेंशन। तो अभी अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हम अपने पेड और प्रीमियम काउंसलिंग को स्लॉट्स कितने लेके आ रहे हैं, कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सेशन के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि इतना ह्यूमंगस रिस्पॉन्स मिला था हमें लास्ट सेशन में, जिसको हम हैंडल भी नहीं कर पाए, फ्रेंकली स्पीकिंग उतना लोड हमसे नहीं हैंडल हो पाया था। बट नॉट टू वरी, टीम भी इंक्रीज करके आ रहे हैं, चीजें आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लास्ट ईयर कट ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल्स के साथ हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। उस वेट के दौरान आप अपने प्रिपरेशन पे फोकस करिए, लास्ट ईयर के कट ऑफ रैंक्स XYZ इवन सीट इंक्रीमेंट भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये चीजें तभी आपको हेल्पफुल करेंगी जब आपके एक अच्छे रैंक पे रहोगे या आपकी एलिजिबिलिटी स्कोर आएगी। अगले वीडियो में ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इस बार भी 0% होने के चांसेस हैं, अगर हैं तो क्यों हो सकता है, नहीं तो क्यों नहीं हो सकता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दैट इज PG 24। बट वीडियोज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।